सब लोग लाइव आ जाओ ना, ए टू जेड, ऑल ऑफ यू स्टे विथ मी, स्टे एक्टिव मेरे साथ सब लोग, ओके, विथ फुल ऑफ एनर्जी. यस यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग. यस, हाई टू ऑल ऑफ यू. ओके, चलो अभी आज हमें करना क्या है. हाँ, करंट अपना खत्म हो गया है, सो वी आर स्टार्टिंग विथ अपना लाइट वाला पार्ट, मतलब ऑप्टिक्स वाला पार्ट. ओके, सो आज हम लोग वो एक नया एक चीज़ हम लोग आज उठाते हैं और उसके रिस्पेक्ट से विल वर्कआउट मल्टीपल थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, लेकिन अपना फ्लो थोड़ा अलग होगा. अलग इन द सेंस कैसा, विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं, तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं. वॉइस इज नॉट क्लियर, व्हाट अलशिफा, कैन यू प्लीज रीजॉइन, आई थिंक द वॉइस इज क्लियर. सो इट्स क्लियर ना, मुझे मैसेज करो ना, बिकॉज अनम्यूट करूंगा ना तो फिर वो बीच में ये होता है, बिकॉज आई एम टीचिंग मोर ना. सो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, देन विल फाइंड आउट के. यस 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 मंदर, वही चालू है, पहले सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूँ. ऑल ऑफ यू स्टॉप मैसेजिंग. यस यस यस, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप मैसेजिंग, सुन लो पहले मेरी बात. सो हम लोग को एकदम बेस लॉजिक हम लोग जाएंगे, बेस लॉजिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वॉट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज देखेंगे, रिफ्रैक्शन उसके लॉज देखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे. विल मूव टू प्रिज्म वाला पार्ट, के प्रिज्म में कौन सा बेस लॉजिक क्या यूज होता है. प्रिज्म वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे. देन विल फाइंड आउट के जो ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स में जो तुम्हारा रे आ रहा है, सो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट हम लोग उठाएंगे. फिर उसके अंदर हम लोग प्रूफ वगैरह देखने वाले हैं. सो हम लोग उधर लेंस मेकर्स इक्वेशन कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे. अगर एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो उसके अंदर अगर मेरा एक रे ऑफ लाइट जा रहा है तो उसका प्रूफ और उसका डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं. फिर विद रिस्पेक्ट टू दैट विल ऑल्सो सी सम जो अपना बोलते हैं ना कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे. और उसके बाद हम लोग करेंगे तीन कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसके अंदर, द एप्लीकेशन पार्ट. सो हम लोग वो तीन कॉन्सेप्ट ये पढ़ने वाले हैं. एक हम लोग पढ़ेंगे एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप. ठीक है, सो इन शॉर्ट व्हाट विल बी डूइंग इज, हम लोग आज का जो सेशन है अपना, ओके, आज का जो सेशन है, विल डेडिकेट दिस सेशन एंड कमिंग सेशन टू बिल्डिंग योर बेस. बेस डेवलपमेंट में अपन थोड़ा वर्कआउट करेंगे. तो हम लोग ये चैप्टर को हम लोग थोड़ा ऐसे डिवाइड करेंगे, द रिफ्रैक्शन वाला पार्ट फर्स्ट एंड देन ऑप्टिक्स वाला पार्ट जिसमें आएगा तुम्हारा मिरर्स एंड लेंसेस. ठीक है, सो वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमें डेफिनेशंस भी देखना पड़ेगा, फिर उसका प्रूफ कैसे होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा. तो वो सारी चीज़ें हम लोग उस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे. ठीक है, सो हम लोग थोड़ा फ्लो अपना वैसे रखेंगे. विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के साथ साथ विल मूव टू मिरर्स, mirrors से will move to lenses and lenses से will move to application and the application is something but मैंने जो तीन तुम्हें बताया, simple microscope, compound microscope and telescope. okay, हाँ, reflection को तो एकदम छोटू सा पार्ट है, reflection तो अभी सिर्फ लॉ पूछूंगा. और लेकिन उसके भी पहले चलो now let's finally start हम लोग क्या करने वाले. all of you with me, सब लोग एकदम अच्छे से, I need your 1000% focus for some time. थोड़ा पूरा दिन तो मुझे नहीं चाहिए, मन मन ना हाफ पर थोड़ा ध्यान दो सब लोग. हम लोग क्या करने वाले हैं, सी बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन, एंड जिसके बारे में शायद हमें, पहले कहानी सुन लो, जिसके बारे में शायद हमें 500 साल लग गए उसका सिर्फ नेचर ढूंढने के लिए. ओके, हाँ गौरंग सुनना, जिसके बारे में शायद हमें बरसों लग गए, 500 साल लग गए सिर्फ उसका नेचर फाइंड आउट करने के लिए, कि वो किस नेचर का है, वो क्या चीज़ है, उसके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमें बहुत 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 500-600 साल लग गए. एंड दैट थिंग इज समथिंग बट योर लाइट. यस कोमल, वेरी गुड. सो वन ऑफ द फास्टेस्ट, यस वेरी गुड ऋतुजा, वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग थिंग इन दिस यूनिवर्स, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये इतना फास्ट अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, सो जस्ट इमेजिन 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर हम लोग अगर 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 कोई बाइक या फिर एक्टिव या फिर साइकिल भी तुम लोग चलाते रहोगे, अगर 40-50 की भी स्पीड, 60 की भी स्पीड पे हम लोग जाते हैं ना, तो हमें फास्ट लगता है. ठीक है, अगर 60 की भी स्पीड पे हम लोग जाते हैं, देन वी आर लाइक, अरे ये थोड़ा स्लो कर दो, इन मुंबई इफ आई टॉक अबाउट इट. तो ये इतना फास्ट अगर ये जा रहा है, ओके, सो उसके हिसाब से अगर हम सोचने जाएं, अरे अश्वत रुकना सुन तो ले मेरी बात,
तो किस तरीके का उसका स्पीड और उसका एनर्जी कैसा होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हाट इज लाइट वाज बाय सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन। सो न्यूटन सर ने पूछा कि भाई लाइट क्या होता है, एंड ही फाउंड आउट सम थियोरिटिकल प्रूफ्स एंड सम थियोरी अबाउट लाइट। सर लोग मेरे साथ है, सबका ध्यान इधर। नहीं, मोहम्मद, न्यूटन ने वो नहीं बोला था। सो न्यूटन टोल्ड अस समथिंग। न्यूटन ने हमें बताया कि अपना जो लाइट है ना, लाइट लाइट इज समथिंग, इट इज समथिंग लाइक पार्टिकल्स। जैसे बोला न्यूटन ने कि अपना जो लाइट है ना वो पार्टिकल्स जैसा है। ओके, एंड उसने बोला कि आई विल कॉल दिस पार्टिकल्स एज कॉर्पसल्स। ठीक है, उसने नाम दिया कॉर्पसल्स। फिर उसने वो कॉर्पसल्स का प्रॉपर्टी डिफाइन किया। सो वो ही वॉज वेरी स्मार्ट अप न्यूटन। वो पता चलेगा कि उसने कॉर्पसल्स को डिफाइन कैसे किया। सो न्यूटन टोल्ड अस व्हेन दिस कॉर्पसल्स विल हिट माय रेटिना, CORPUSCLES। ओके, नहीं कोमल, द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली गिव थियोरी अबाउट लाइट। सो उसमें उसने ऐसा बोला दैट व्हेन कॉर्पसल्स हिट माय रेटिना, अगर कॉर्पसल्स मेरे रेटिना पे लग रहा है तो उसे बोला देन आई विल गेट विजन। ठीक है, किससे बोला? न्यूटन ने बोला। ध्यान से मेरी बात सुनो पहले। कॉर्पसल्स मेरे रेटिना पे हिट करेगा तो मुझे विजन आएगा, ये न्यूटन ने बोला। तो उसको और एक क्वेश्चन आया कि व्हाई आई एम फाइंडिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, क्यों अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट मुझे कहाँ से मिल रहे हैं। सो तभी उसको पता चला, उसने ऐसा बोला दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पसल्स। समझ रहे हो? तो अगर मोटा है, एकदम 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 मोटा कॉर्पसल्स है तो रेड कलर का रहेगा, एकदम छोटा है तो वॉयलेट कलर का रहेगा। तो वन थिंग दैट इज समथिंग अबाउट वेब गियर, राइट। तो उसने क्या बोला कि डिफरेंट साइजेस के हिसाब से मुझे अलग अलग कलर्स मेरे को दिखेंगे। तो अभी एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि अगर अगर वो पार्टिकल है देन इट शुड ऑल्सो बी इफेक्टेड बाई अर्थ ग्रेविटी एंड इट शुड गेट टिल्टेड, बराबर ना? और अपना लाइट का प्रॉपर्टी वही है। अपना लाइट का क्या है प्रॉपर्टी? देखो लाइट लाइट का पहले प्रॉपर्टीज में तुम्हें बताता हूँ। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लिखते भी जाता हूँ साथ साथ में, जस्ट अ सेकेंड। सो अपना लाइट का क्या क्या है प्रॉपर्टीज अपने पास, तो उसके हिसाब से अपन वर्कआउट करते हैं। सो लाइट का जो प्रॉपर्टीज वी नो इज, वी नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बराबर। देन वी नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नहीं मोहम्मद, वो बाद में आएगा, मैं एकदम हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, थोड़ा हम एकदम हिस्ट्री में जा रहे हैं। देन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स ही डालो अंदर, पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर हमें पता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं नेक्स्ट ईयर। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट इज समथिंग बट योर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। कर लगा सकना, बता चाहे हमारे साथ ध्यान है सबका। सो ये इतना प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, आया ना डाइफ्रैक्शन मैंने लिखा ना, ओम। सुनो सुनो सुनो, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइट का, ये इतना तो होना ही चाहिए, ये हमें इतना पता है। ओके, सो डिस्पर्शन तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी बोलते। सुनो, सो इधर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो अभी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अभी न्यूटन बाबा को पूछ लिया कि यार ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन तो लाइट, अगर इफ यू आर सेइंग कि इट इज स्मॉल स्मॉल कॉर्पसल्स, तो अर्थ के ग्रेविटी से भी वो उस अर्थ का जो है ग्रेविटी तो उससे भी वो डिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो ऐसा कर्व पाथ ट्रेस करना चाहिए था, एटलीस्ट थोड़ा कर्व आना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकल वी डोंट फाइंड इट कि लाइट तुम्हारा हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही जाता है ऑलवेज, राइट। सो लाइट इज ऑल, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन योर स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर
प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हर बार होता है। तो उस टाइम पे न्यूटन ने ना एकदम स्मार्ट तरीके से क्या बोला कि जो कॉर्पसल्स का बात जो मैं कर रहा हूँ ना, इट इज परफेक्टली रिजिड, इलास्टिक एंड वेटलेस, ऐसा उसने एक प्रॉपर्टी बता दिया कि कॉर्पसल्स तुम्हारा ऐसा होता है, एंड बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मास, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास, उसने क्या बोला कि ये जो कॉर्पसल्स है, हाँ यस कोमल, सो ये जो कॉर्पसल्स है दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ऐसे करके समवॉट उसने ऐसा भी बोला न्यूटन ने कि दैट योर स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन इन रेयर मीडियम। लेकिन अगर हम लोग सिंपल सा लॉजिक अगर अप्लाई करें कि हम लोग मैं हाईवे पे मैं कार फास्ट चलाऊंगा रादर देन माई एसवी रोड, ओके ठीक है, सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात? क्यों? क्योंकि उधर जो भी है, अगर अगर डेंसर मीडियम में बोल रहा हूँ तो उधर तो स्पेस कम रहेगा ना, तो उधर स्पीड कम होना चाहिए, बराबर ना? एसयू रोड पे मैं 100 की स्पीड पे थोड़ी चलाऊंगा, पागल हूँ क्या? हाईवे पे एक बार सोच सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसके बाद इसको इसके कुछ साल के बाद, न्यूटन के कुछ साल के बाद आया और एक बंदा, हाँ मंदार। सो उस टाइम पे और एक बंदा है, हिज नेम वाज यूजिन, एंड यूजिन गेव अस वेव थियोरी ऑफ लाइट। नहीं नहीं अभी तो एडिसन तो बहुत लेट आएगा, एडिसन ने तो इन्वेंशन ऑफ बल्ब वो अलग ही है, वो उधर उधर एडिसन वेडिसन कोई नहीं आएगा इसमें। सो यूजिन गेव अस वेव थियोरी ऑफ लाइट। लेकिन यूजिन ने क्या बोला पता है क्या? अभी हमें वेव्स के बारे में हमें पता है, सी द फर्स्ट पर्सन जो हम लोग आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला बंदा आया न्यूटन के बारे में मैंने बात किया, नो आयुष। सो न्यूटन ने क्या बोला? कॉर्पस्कुलर थियरी, ठीक है, इसने ऐसा बताया कुछ लाइट के बारे में। फिर आया यूजिन, यूजिन ने दिया हमें वेव थियरी। अच्छा, वेव थियरी ऑफ लाइट में उससे क्या बोला पता है क्या? ऐसा बोला कि लाइट है ना अपना लाइट, इट ट्रेवल्स, इट इज जस्ट लाइक योर साउंड लाइक वेव। अभी हम सबको पता है जो साउंड वेव रहता है, साउंड वेव वो कैसा होता है? इट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव, बराबर, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव है तो मीडियम को कॉम्प्रेस और रेफ्रैक्ट करते हैं, कॉम्प्रेशन एंड रिलैक्सेशन होते रहता है। अगर मैं साउंड वेव का अगर मैं बात करूँ तो मीडियम के बिना तो साउंड वेव चलेगा नहीं। तो उसको यूजिन बाबा को वापस पूछ लिया कि यार तुम लाइट के बारे में बात तो कर रहे हो, एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज दैट योर लाइट इज साउंड लाइक वेव, तो वैक्यूम से लाइट ट्रैवल कैसा कर रहा है, वैक्यूम से लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है? तो ही वॉज वेरी स्मार्ट अगेन, तो ही सेड अरे वैक्यूम में भी है ना कुछ तो मीडियम होता है नोन एज ईथर, RoR। सो उससे बोला कि वैक्यूम में ट्रेसेस ऑफ ईथर होते हैं बिकॉज ऑफ विच लाइट कैन ट्रैवल। सो उसके रिस्पेक्ट से एक सेकेंड ना उम्मे हनी, सो उसके रिस्पेक्ट से जब बात की तो यूजिन बाबा ने क्या बोला कि देर इज समथिंग नोन एज लुमिनिफेरस ईथर, और वो ईथर की वजह से लाइट अपना ट्रैवल करता है, लेकिन प्रैक्टिकली नो सच ट्रेसेस ऑफ ईथर वर फाउंड इन वैक्यूम, ठीक है। सो ईथर हमें मिला तो नहीं उधर, है ना। और उसने एक चीज अच्छी बताई थी, उसने बोला कि ये जो लाइट वेव है ना अपना लाइट वेव, इट ट्रेवल्स फास्टर इन योर रेयर मीडियम। हाँ सोहम, बराबर। तो उसने ये ऐसा ये एक थियोरी उसे अच्छा दिया कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन योर रेयर मीडियम एंड स्लोअर इन योर डेंसर मीडियम। और उसने और एक उसका यूजन एक प्रिंसिपल लिया था, तो प्रिंसिपल हम लोग को अभी नहीं देखना, बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें जस्ट दे रहा हूँ कि कितनी मेहनत की है एंड व्हाई दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ओके। यस यस यश, मुझे एग्जैक्टली वो साइंटिस्ट का नाम तो नहीं पता, बट उसी टाइम पे ही बताया था कि वो ईथर नहीं होता है, एंड देयर वर मल्टीपल पीपल हु हैव प्रूव्ड बाय द वे। सो फर्स्ट आया न्यूटन के बाद यूजिन के बाद आया ये जो इसके बाद जो बंदा आया ना, ही वॉज वेरी गुड, उसने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, देयर केम अ पर्सन नोन एज मैक्सवेल। और मैंने तुम्हें हमेशा से एक चीज़ बताई है, दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, यस और नो, बराबर ना? कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड को लेके आता है, और मैग्नेटिक फील्ड आता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो साथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लेके आएगा। तो मैक्सवेल ने ना, यस विनीत, तो मैक्सवेल ने क्या किया पता है क्या? मैक्सवेल ने बोला कि लाइट इज नथिंग बट
योर ट्रांसवर्स, सबसे पहले ट्रांसवर्स बोला उसने, ओके, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसका मतलब मैंने टॉक अबाउट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या? देखो जो मैक्सवेल ने जो विजुअलाइज किया रहेगा, सो एक लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओके, एक सेकेंड ना, बहुत कुछ है, जहां से हम लाइट चालू करते हैं वहीं पे हम लाइट खत्म करते हैं, सो ये आंसर भी तुम्हें बहुत सारे आंसर्स और भी मिलेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत कुछ आंसर्स तुम्हें मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी तुम्हें आएंगे बाय द वे। सो ये एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, सो इस पे उसने ऐसा बोला कि अगर ये ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सो ये इधर और एक आ जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड साथ में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इफ आई कॉल दिस एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज समथिंग बट योर मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस इज योर डीओपी, दैट इज समथिंग बट योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यस रोशन, उसे उसके उससे रिपल्स ऑफ पॉन्ड से उससे कंपैरिजन किया, यूजीन, यूजीन बोलते हैं, हाँ यूजीन ही होता है, यूजीन बोलते हैं, हाइजीन भी वो लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं अपन, यूजीन, मैं तो यूजीन बोलता हूँ, चलेगा ना? तो तुम लोगों को जो बोलना है तुम लोग बोल सकते हो, बट टेक्निकली इट्स यूजीन ओनली अनलेस आई नो, कोमल भी शायद वही बोल रही है। सो इधर हमें क्या पता चला, सो मैक्सवेल ने जो थियोरी दिया ना, दैट लाइट इज समथिंग बट योर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस विल बी कंसिडरिंग एंड यूजिंग इट एवरीवेयर, सुन रहे हो तुम लोग? सो वॉट वी आर स्टडिंग राइट नाउ इज नथिंग बट लाइट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद भी लोग आए भाई दबे, इसके बाद आ गए अपने प्लैंक बाबा, इवन इवन ही सेड समथिंग अमेजिंग। प्लैंक बाबा ने हमें ऐसा बोला, प्लैंक गेव अस क्वांटम थियोरी, सो प्लैंक वॉज अ वन टू डिस्क्राइब ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू एच न्यू। ये भी हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं, इन नियर फ्यूचर, ओके, सो कैम में भी, अरे वेरी गुड सोहम। सो इधर हम लोग ने क्या किया, डीओपी इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, हिमांशु, सो प्लैंक ने हमें दिया क्वांटम थियोरी। सो उसने, हाँ अश्वत बता रहा हूँ, तो उससे हमें ये बताया दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। प्लैंक बाबा ने थोड़ा स्मार्ट वर्क और किया, ओके, ही टोल्ड अस दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा और फोटॉन्स, दैट इज ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर ही टोल्ड अस दैट, एक सेकेंड ना रक्षा, ही टोल्ड अस, जस्ट जस्ट गिव मी सम टाइम ना, वो एक फ्लो में हूँ मैं। सो इधर उसने क्या बोला, इधर एक एनर्जी है, ये एच इज समथिंग बट योर कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड न्यू इज समथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो प्लैंक बाबा ने क्या बोला पता है क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटम, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा लाइन से, ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में लाइट जाएगा तुम्हारा, और इसके अंदर ना ये इसके अंदर छोटा छोटा तुम्हारा लाइट रहेगा ऐसा, सी। By the way, I wanted to show you one video. मेरे पास एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन है ना, एक 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 सही वाला वीडियो देखते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा विजुअलाइजेशन में करते हैं, नॉट एन इशू, थोड़ा टाइम जाएगा, देन इट्स ओके, लेकिन कुछ पता चलेगा, मजा आएगा। यस, दिस आर ऑल थियरीज आयुष, ठीक है। सो इसमें ये जो है ना, ये पूरा एक दैट इज नोन एज क्वांटा, ठीक है, और ये जो इसके अंदर जो छोटे छोटे लाइट्स है ना, दिस आर नथिंग बट अ फोटॉन्स। तुमने वो सुना है क्या, टाटा फोटोन प्लस, टाटा फोटोन प्लस का नाम सुना है तुम लोग ने? अरे तुम लोग के टाइम में नहीं था, डोंगल आता था, डोंगल, हाँ देखो इसको, कुशल क्या नाम था उसको, पता है ना सबको, हाँ डोकोमो, वो टाटा फोटोन प्लस का वो डोंगल आता था, सो दे क्लेम दैट वी आर फास्टेस्ट बाय द नेम इटसेल्फ, कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट्स का हम लोग स्पीड देते हैं, छोटा सा डोंगल आता था टाटा फोटोन प्लस, तेरे पास भी है क्या? ओके, सो उसके हिसाब से डिफरेंट एनर्जीज होते हैं, किसी ने कलर का पूछा। सो इधर इधर हमें क्या पता चला कि प्लैंक ने जो थियरी दिया, सी एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट कि भाई ये क्या चल रहा है जिंदगी में और हमें क्या कंसिडर करना है। हम लोग ये सब कुछ इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, हम लोग का फिलहाल मोटो और एम कुछ अलग है, ठीक है। सो इधर
हम लोग ने एच इज योर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो इधर हमें क्या पता चला, प्लैंक बाबा ने क्या बोला, प्लैंक ने दिया हमें क्वांटम थियोरी। और फिर 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में, फिर और एक बंदा आया, और ये मेरा फेवरेट बंदा है। और ट्रस्ट मी गाइस, जहाँ पे तुम लोग लाइट स्टार्ट कर रहे हो, तुम लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, और मेरा आज का ये लेक्चर सब लोग याद रखना अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ। वो ये जो सब थियोरीज वगैरह मैं बता रहा हूँ, जहाँ से हम लोग आज लाइट स्टार्ट कर रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आज स्टार्ट करूंगा, मे बी रिफ्लेक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके अलशिफा, एक काम कर अलशिफा बेटा, तू एक बार रिजॉइन कर दे, ठीक है। सुनो सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, आज का जो लेक्चर है, हम लोग जहाँ से लाइट को स्टार्ट करते हैं ना, वहीं पे हम लोग लाइट को खत्म करते हैं। हम लोग लाइट को अगर रिफ्लेक्शन से, अगर मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी अगर मैं स्टार्ट करूंगा, एंड विल कंसिडर लाइट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर 12th में तुम लोग ये भी पढ़ोगे, इंटरफेरेंस भी पढ़ोगे, डायफ्रेक्शन भी पढ़ोगे, फिर ये मैक्सवेल भी पढ़ोगे, आइंस्टाइन भी पढ़ोगे, और फिर उसके बाद तुम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स में और एक चीज़ पढ़ोगे, और वो उस टाइम पे वो पूरा खत्म होने के बाद, वो शायद जब वो पढ़ाएंगे ना हम लोग, तो वो एक सही एकदम बाप बंदा आएगा जो 19वीं सदी में आया, और उसका नाम है डी ब्रोगली। अभी सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनना, सब लोग है ना मेरे साथ, ऑल ऑफ यू, यस अप टू यू अथर्व। डी ब्रोगली बाबा ने हमें क्या बताया पता है क्या? यस अजिंक्य, वेरी गुड। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने हमें ऐसा बोला, अरे 500 साल से मगजमारी कर रहे हो, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इतने सारे लोग आके गए, इतने सारे लोगों ने रिसर्च किया जस्ट टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। डी ब्रोगली ने एकदम सही चीज बोला, ट्रस्ट मी गाइस। उसने क्या बोला पता है क्या? लुक अराउंड अस, आजू बाजू हमारे जितने भी चीजें हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज सिमेट्रिकल, एवरीथिंग अराउंड अस इज सिमेट्रिकल, इवन वी आर सिमेट्रिकल, राइट। हमें भी दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर है। इमेजिन करो तुम्हें सिर्फ एक ही पैर रहता तो लंगड़ी कर करके इधर उधर भागते रहते तुम लोग, है ना। सो उससे क्या बोला, इवन जो जो फ्लावर्स आते हैं, जो पेड़ रहते हैं, जो पौधे, पेड़ पौधे पत्ते, दे ऑल फॉलो गोल्डन रेशियो, राइट। वो जो वन, फिर वन प्लस वन, जीरो प्लस वन, वन प्लस वन, टू, टू प्लस वन, थ्री, वो जो होते रहता है, थ्री प्लस टू फाइव, तो जो गोल्डन रेशियो है, फिबोना की सीरीज जिसको बोलते हैं। सो ही सेड दैट के नेचर लव्स सिमेट्री। क्या बोला उसने? नेचर लव्स सिमेट्री एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज सिमेट्रिकल। Nature loves symmetry and everything around us is symmetrical. Hence, he said that light has dual nature. और उसने जो analysis किया है, और उसने जो value और जो formula ढूंढ के दिया है, नहीं नहीं अजिंक्य, उसने वो formula दिया है बेटा, वो उसने जो lambda equals to h by p, उसने जो hypothesis उसका दिया है, वो वेव एंड पार्टिकल को जो एक साथ लेके आ रू तुझा भाई, तो वेव और पार्टिकल को जो वो एक साथ लेके आया, उसको फिगर दिया, उसका एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, डेविसन एंड जर्मन ने भी उसको प्रूफ किया, एंड दैट टाइम हमें पता चला कि ये जो उसे, ये डी ब्रोगली जो बोल के गया है, वो कितना बड़ा चीज बोल के गया है। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात? सो ये न्यूटन से लेके डी ब्रोगली, तो 14th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी हम लोग इतने साल तक वी आर स्टिल फाइंडिंग कि भाई वॉट इज एग्जैक्टली लाइट। आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। हाँ सब लोग हैं मेरे साथ? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं किया, सब लोग कुछ ना कुछ इनपुट्स देके गए, ये बोलते सबने टाइम वेस्ट किया, कौन था? अरे टाइम वेस्ट नहीं किया, सब लोग कुछ ना कुछ इनपुट्स देके गए, और वो इनपुट्स का बेटरमेंट होते गया, राइट। तो वैसे तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि पहले तो इतना बड़ा कंप्यूटर था, तो उसने टाइम वेस्ट किया, अभी मेरे लैपटॉप हार्डली 3 किलो का है, 2.5 किलो का मेरा लैपटॉप है, तो उसने टाइम वेस्ट किया, वैसा थोड़ी बोल सकते हैं। दे गेव सम इनपुट्स एंड बेस्ड ऑन विच देयर वाज इंप्रूवमेंट इन थिंग्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, थोड़ा मैं आज सोच रहा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा अपन पिक्चर देखते हैं। यस आकाश, वो तुम लोग को भी पता चलेगा, मैं थोड़ा देख रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम लोग भी मेरे साथ, सब लोग थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते हैं पिक्चर, मतलब भाई कहो ना प्यार है ऐसे सब नहीं दिखाऊंगा, बट समथिंग डिफरेंट, थोड़ा लाइट के बारे में, जो मेरा एक फेवरेट वीडियो है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू, आशिकी 2 बोल रहा है, कौन है रोमियो? सी लेट्स ट्राई टू डू समथिंग न्यू ना, आज थोड़ा
कोशिश करते हैं, तुम्हें भी कुछ पता चलेगा, तुम्हें कुछ नया जानने मिलेगा, कुछ देखने मिलेगा, एंड तुम्हें भी ये पता चलेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली द लाइट इज एंड हाउ व्हाट 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 हाउ वी शुड गो अहेड विद इट. तो वो भी तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी. सो जस्ट अ सेकेंड, दो एक ही सेकेंड दे दो, जस्ट शेयर माई स्क्रीन. टाइम पास मत करना, कोई भी गायब मत हो जाना, देखो इधर शांति से जो मैं बता रहा हूँ, और समझ में आएगा तो वेल एंड गुड. एंड लेट्स सी, शायद तुम लोग ने पहले देखा है नहीं देखा है वो नहीं पता, बट लेट्स सी. क्यों मंदर? हाँ प्रथमेश, वही बता रहा हूँ. जस्ट अ सेकेंड ना, यही है क्या वीडियो, एक बार देख लेता हूँ. ओके अच्छा ऐसा है क्या, चलो नॉट एन इश्यू. जस्ट सो ये जो सारी चीजें रहती है ना, ये जो सारी चीजें जो वीडियो में जो हम लोग ने सारी जितनी भी सारी चीजें देखी वो अलग होता है प्लेसिडो. यस यस आकाश. सो ये जो सारी चीजें रहती है ना, मे बी हम जो कॉमन पर्सन हम लोग को ये सब देखने जल्दी नहीं मिलता है, बिकॉज हमें वो लैब्स, शायद वो एक या दो लैब्स है वैसे, एक्सेसिबल ही नहीं रहता ना ये सब लैब्स. सो बिकॉज ऑफ विच माई वॉइस इज नॉट क्लियर ओवर. चलो क्लियर नाउ, और मे बी शायद थोड़ा बहुत हुआ रहेगा. सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये देखने में इसके लिए मज़ा आता है बिकॉज हम लोग हैंड्स ऑन नहीं है ये सारी चीज़ों से, बट दिस स्लोमो गाइज दे हैव फिल्म्ड इट एंटायरली, और उन्होंने बहुत अच्छे से वो लोग ने किया, वो जो भी वो लोग ने किया ना तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया. अरे जिसको इसको ब्लर या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है ना रीजॉइन, बिकॉज इधर मेरा नेट बराबर है, इधर मेरा नेट भी बराबर है और ये भी बराबर बता रहा है मुझे इसके लिए. हाँ सुजल चलेगा, वो प्लेसिड अपन बाद में करते हैं वो, बिकॉज एज ऑफ नाउ अपन जो फोकस है सब बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. सो व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट इस के वी आई एक्चुअली हमें ये पता चला कि लाइट जो इतने बरसों से ये लोग ने मेहनत की थी वो एक 10 मिनट के वीडियो में हमें ये पूरा हम लोग को एक समझ में आया कि भाई ये लाइट ये बोलना क्या चाहते हैं, वो होता क्या है एंड कैसे हम लोग कर सकते हैं. कोई नहीं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मैं तुम्हें ये इसका जो लिंक है ना आई विल शेयर यू द लिंक एज वेल, मैम को भेज दूंगा. सो दिस वॉज अ थिंग. हाँ वो डार्क इसके लिए था बिकॉज बाकी कोई लाइट वो लोग ने जितने एफ पी एस ने इतने सारे बढ़ा दिए कि वो बाकी कोई लाइट था वो आया ही नहीं, वो उसका एंट्री नहीं हुआ. सो जो सिर्फ जो लाइट पे हम लोग फिल्म कर रहे थे ना वो लेजर लाइट पे, सिर्फ उतना ही वो लोग ने किया था ब्लू कलर, बिकॉज वो ब्लू कलर का लेजर था इसके लिए. यस किसी ने जोक मारा इधर आकाश. चलो कोई नहीं, सो अभी हम लोग वापस पहुंच जाते हैं. ये लोहित ने इसका लिंक भी भेज दिया. चलो कोई नहीं, मैं तुम लोग सबसे शेयर अब भी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो होता ही है ना शायद इसमें. सो सी, सो इसके अंदर हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें पता चली है और वो सारी चीज़ें वी कैन वर्कआउट, और अच्छे तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं. ये वही लिंक था क्या लोहित ने भेजा, ये लिंक चेक नहीं किया. हाँ वही है, ठीक है. चलो स्क्रीन नॉट क्लियर बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, मैंने एक सेकेंड स्क्रीन अभी क्लियर हो जाएगा, मैं समझा. शेयर साउंड अभी तुम्हारा स्क्रीन क्लियर हो गया रहेगा. सॉरी मैं समझा, मैंने वीडियो के लिए ऑप्टिमाइज किया था ना इसके लिए. चलो नॉट एन इशू, अब सब क्लियर हो गया. चलो अभी थोड़ा लाइट का प्रॉपर्टीज और इतना सारा लाइट के बारे में, हाँ सी हाँ पढ़ रहा हूँ ना मैसेज इससे, जो लाइट के बारे में हम लोग ने देख लिया, लाइट के प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग ने देख लिए. ये हाँ वो देखे मैंने, वो सारे वीडियोस देखे हैं, तो उसके हिसाब से अभी थोड़ा लिखते हैं प्रॉपर्टीज, लिखते हैं एक एक करके फटाफट. थोड़ा हम तो एकदम बेस लेवल से थोड़ा स्टार्ट करते हैं तो सबको और भी ज़्यादा क्लियर होगा, और अभी शायद तुम्हें विजुअलाइजेशन में भी अभी एकदम ईजी हो जाएगा. सो एक तो मैंने तुम्हें बता ही दिया फर्स्ट प्रॉपर्टी लाइट का. चलो सब लोग मेरे साथ अभी, रुतुजा इट इज द वे डी ब्रॉगली सेड डुअल नेचर, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो समझने के लिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. सो लाइट इज ट्रांसवर्स
चलो मेरे साथ ये नोट्स नोट डाउन कर दे जाओ फटफट. सो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑल ऑफ यू विथ मी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यस सोम. ठीक है, इसके अंदर हम लोग, मैंने एक डायग्राम इसके पहले बनाया था, वैसे ही सेम अगर तुम्हें बनाना है तो तुम लोग बना सकते हो. हाँ भेजा ना मैंने अभी शिवराज, मैं मैसेज पे वापस भेज देता हूँ लिंक. तो ये ऐसा होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ट्रांसवर्स हमेशा, एंड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उसका मतलब होता है तुम्हारा लॉन्जिट्यूडिनल. ठीक है, सो उसके हिसाब से लाइट कैसा होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. फाइन, सो लाइट कंसिस्ट ऑफ, इधर मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है. एक ही सेकेंड ना अश्वथ, लास्ट लास्ट स्लाइड बताता हूँ, एक सेकेंड. इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड होता है पता ही है तुम लोग को, विच ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ 3×10^8 m/s इन वैक्यूम. एकदम एकदम बेस लेवल से हम लोग एक एक छोटा छोटा चीज़ हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, इन वैक्यूम. फिर ये जो वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट कितना होता है वो भी लिख देते हैं, थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी जस्ट आइडिया रहेगा. सो योर वेवलेंथ फॉर, अरे क्या हो रहा है ये टैब, 3×10^8. हाँ हाँ चलेगा. सो वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ रे, किधर चेंज हुआ, वो तो रिफ्लेक्ट हुआ ना, वो रिफ्रैक्शन हुआ ना, मीडियम चेंज हुआ उसका. किसी ने क्वेश्चन पूछा ना उसका मैं आंसर कर रहा हूँ कि वो रिफ्रैक्ट हुआ, उधर मीडियम चेंज हुआ ना उसके अंदर. इसके लिए वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट, एक सेकेंड, थोड़ा मुझे इधर टेक्निकल ग्लिच आ रहा है. वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट इज 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, 3×10^8 वेदिका. ठीक है, सो ये एक बेस लॉजिक हम लोग पकड़ के चलते हैं. एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10. सो ये एक चीज़ होता है. फिर जब ये मीडियम बदलता है, सो व्हेन मीडियम चेंजेस, यस अपूर्वा, सो व्हेन मीडियम चेंजेस देन क्या क्या बदलता है, वेलोसिटी में चेंज, देन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ कैन ऑल्सो चेंज. वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, ओके. अरे क्या हो रहा है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब तुम्हें शायद मोस्टली पता ही रहेगा सबको, 1/T इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन मीडियम चेंजेस देन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 3×10^8 m/s इन वैक्यूम. बराबर ना, अभी इसका तो लॉजिक एकदम सिंपल है, फ्रीक्वेंसी बदलता है तो वेवलेंथ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ बदलेगी. अभी एकदम सिंपल सा अगर मैं तुम्हें बेस बताऊँ तो, अभी लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, पहले लॉकडाउन के पहले मैं पतला था, लॉकडाउन के बाद मैं मोटा हो गया हूँ, तो क्या अमन सर, अमन सर नहीं रहे क्या, वेवलेंथ मेरा बदल गया तो मैं नहीं रहा क्या. हाँ 3×10^8 ये दिख रहा नहीं है तुम्हें, ये 10^8, ओके. नो नो सोहम, बराबर ही लिखा है मैंने, एक सेकंड रक्षा, यस वही तो फ्रीक्वेंसी लाइट का बदलता नहीं है. अरे सब करेंगे प्लेसिडो, पहले अपन ये तो खत्म कर दे, जो उठा है वो पहले खत्म, है लाइन से जाऊंगा ना. अच्छा 3×10^E लग रहा है तुम लोग को, पता नहीं इधर तो मुझे 8 ही बराबर ही दिख रहा है, कोई नहीं चलो 3×10^8 अभी दिख रहा है बराबर, ओके. ये सिर्फ मैं लाइट का प्रॉपर्टीज वगैरह सब बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स थोड़े बहुत, तो जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो सारे मैं बता रहा हूँ. ठीक है, सो ये एक चीज़ होता है. एंड इफ द मीडियम इज सेम, लेट्स चेक फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मीडियम, लेट्स चेक फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ मीडियम, तो वाटर में हम लोग जिधर भी जाएंगे तो पूरे पानी में तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम. सो इन, ऐसे मैं इसको पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूँ, इन अ गिवन मीडियम, इन अ गिवन मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट
वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यस यस अक्षय अक्षय अक्षय, तीन अक्षय का एक साथ मैसेज आया, अलग अलग होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, नहीं रे सो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर मैंने सेकेंड लिखा है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका स्पीड होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। अरे सॉरी, थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया, रियली सॉरी फॉर दैट, इसका मैं रीड आउट कर रहा हूँ। थर्ड स्टेटमेंट है वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट इज 3600 angstrom to 7500 angstrom। फोर्थ पॉइंट इज मीडियम चेंजेस, देन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंड लास्ट स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखा है दैट इन अ गिवन मीडियम योर वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर है, ओके साहिल क्या पूछ रहे हैं? सो अरे कब से तो अपन वही कर रहे हैं ना ऋतुजा, हम लोग वही कंसिडर करके, मैंने स्टार्टिंग में तो बताया कि हम लोग ये मैक्सवेल वाला हम लोग पार्ट हम लोग को कंसिडर करके हम लोग चलेंगे। सो ये वाले चैप्टर में हम लोग वैसे स्टार्ट कर रहे हैं और वो धीरे 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 धीरे, अच्छा यू गॉट डिसकनेक्टेड, फिर हम लोग धीरे 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 हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इन इन योर एंटायर फिजिक्स, ठीक है। सो इसमें हम लोग ऐसे करने वाले हैं। सो ये होता है तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इफ लाइट इज ऑफ सिंगल कलर तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब होता है वन, क्रोम का मतलब होता है कलर। सो मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट ऐसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो इसके एक छोटा सा प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, ओके। यस नंदिनी, वो इफेक्ट करेगा, वो कैसे करेगा वो सब मैं बताता हूँ, अपन करते आगे। मीडियम चेंज करेगा तो सो एक सेम मीडियम है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अपूर्वा सुन, एक सेम मीडियम है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एयर मीडियम है, तो एयर में लाइट किधर भी ट्रेवल करेगा ना उसका स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वाटर मीडियम है, ओके। सो अगर वाटर का हम लोग बात करें तो पानी में वो जिधर भी जाएगा ना लाइट, तो पानी में उसका लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड है उसका स्पीड, तो पानी में जिधर भी जाएगा उधर सब जगह पर उसका स्पीड सेम ही रहेगा, ठीक है। सो सी एक बार देख लो मोनोक्रोम, वो अलग, ये मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट में बोल रहा हूँ कोमल, ये देख लो, ये जिसका इसका ये वाला पेज बाकी था ना वो एक बार देख लो सब लोग। हाँ धवल, उधर से एक बेस एक ही लाइट होता है ना, ठीक है। सो इसके हिसाब से अगर हम लोग को बात करना है अलग अलग रेज ऑफ लाइट का, अलग अलग उनको नाम देना है, सो हम लोग अलग अलग रेज ऑफ लाइट का हम लोग बात नामकरण कर सकते हैं। ये हुआ सबका, ये हुआ तो मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं ये भेजने तो वाला ही हूँ ये सारा, जितना भी सब है ना ये सब मैं शेयर तो करने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग साथ साथ में जो जो मैं बोल रहा हूँ ना पॉइंट्स वो सब लिखते जाओ। चलो नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, एकदम सही चीज़ अभी, एकदम बेसिक लॉजिक सबका, वन शॉट ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये सोन, हाँ तो मैं मैम को पूछ लेता हूँ जैन। हाँ रक्षा, मैं शेयर कर दूंगा भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोग सुन लो एक बार, मैं सबको शेयर करने वाला हूँ, नॉट एन इश्यू विद इट, ओके। ये मैं सेव कर सकता हूँ ये स्क्रीन्स में। सो चलो अभी इधर लेट्स फॉर एग्जांपल कि इधर ना इधर तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब लेट्स फॉर एग्जांपल इधर तुम्हारा मीडियम बदल रहा है। सब लोग पाँच मिनट सब लोग इधर ही ध्यान दो, बाकी का पेज लास्ट का पेज बाद में अपन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। पाँच मिनट मेरी बात सुन लो सब लोग, ए टू जेड, पाँच मिनट से मेरी बात सुन लो, एकदम बेस लॉजिक मैं सिखा रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये बाहर है तुम्हारा मीडियम वन, अंदर है तुम्हारा मीडियम टू, समझ में आया सबको एक साथ मेरे साथ? बाहर है तुम्हारा मीडियम वन, अंदर है तुम्हारा मीडियम टू, ओके। अभी इसके रिस्पेक्ट से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इट इज सच दैट योर मीडियम टू इज ग्रेटर देन योर मीडियम वन, दैट इज म्यू टू इज ग्रेटर देन योर म्यू वन। ऑल ऑफ यू विद मी, सबका ध्यान इधर। सो इधर क्या हो रहा है, म्यू टू इज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एयर है, म्यू वन तुम्हारा एयर है, म्यू टू तुम्हारा हो गया और कोई मीडियम, पानी ले लो, ग्लास ले लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन मैंने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से मैंने बोला कि योर सेकेंड मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। हाँ बॉक्स है वो, डब्बा है वो, ठीक है। सो ऑप्टिकली डेंसर बोल रहा हूँ, सुनो। सो म्यू टू इज ऑप्टिकली डेंसर देन म्यू वन, सो म्यू टू इज ऑप्टिकली डेंसर देन म्यू वन, तो वो मैंने लिख दिया।
म्यू डिफाइंस योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें रिफ्लेक्शन के रूल्स, तीन रूल्स हमें पता है, कौन से तीन रूल्स मैं ही बता देता हूँ, दैट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, योर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड योर नॉर्मल, ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन, एंड योर इंसिडेंट रे एंड योर रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो बेसिक लॉज है, एक है तुम्हारा लॉ दैट योर इंसिडेंट रे व्हेन योर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ध्यान दो सब लोग, हाँ सब 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 एक साथ लाइन से अपन करते हैं, व्हेन योर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उस टाइम पे रे ऑफ लाइट तुम्हारा बेंड होगा, ओके कैसे बेंड होगा वो भी अपन करते हैं। सो उस टाइम पे बेंड होगा, तुम्हारा वेलोसिटी कम होगा अगर रेयर टू डेंसर जा रहे हो तो। सो उस टाइम पे दो रूल्स थे, योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और योर इंसिडेंट रे एंड योर रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। और दूसरा लॉ ये था, दैट इज एनिमल ऑफ स्नेल्स लॉ, दैट इज योर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज समथिंग बट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ओके। हाँ ये दसवीं में तुम लोगों ने सब देखा था, इसके लिए मैं वो सब लिख नहीं रहा हूँ, तो अभी उसके हिसाब से, हाँ कोमल वो सब बताता हूँ मैं, उसके हिसाब से चलो अगर मैं इधर एक काम कर रहा हूँ, इधर से रे ऑफ लाइट आया तुम्हारा, ध्यान दो सब लोग, इधर से रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, सो दिस एंगल इज समथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, कूल। और ये जो रे ऑफ लाइट है ना, ये जो रे ऑफ लाइट, चलो इधर इधर सब लोग इधर ही ध्यान दो, ये इधर से पार्शियल रिफ्लेक्ट भी हुआ और इधर से ना तुम्हारा पार्शियल रिफ्रैक्ट भी हुआ, ठीक है। सो पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, उसका मतलब क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहेगा, और ये पार्शियली रिफ्रैक्ट हुआ तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है तुम्हारा। तो अभी एक चीज हमें ये समझ के लेना है कि अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, और अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट जा रहा है डेंसर टू रेयरर, तो इसको हम लोग बोलेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इसको अगर कभी गलती नहीं करना है, साहिल अपन इंटेंसिटी पे पहुंचे नहीं, रुकना मैं बताता हूँ, बेस तो सीख ले, सुन लो। तो इसमें रेयर टू डेंसर मतलब, तो वही सेम हाईवे वाला एग्जांपल ले लो ना, हाईवे से तुम लोग एसवी रोड पे आए, तो रेयर से डेंसर में आए तुम लोग, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सिकुड़ जाओगे, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तुम लोग, तो ऑलरेडी सिकुड़ के तुम लोग एकदम बाहर हो, एकदम ओपन रास्ते पे आ रहे हो, तो एकदम जैसे चाहिए वैसे भगाओगे गाड़ी को, बराबर। सो यू विल बेंड अवे बाय एकदम स्पेस से, खुला स्पेस से ही अपने को, सो वी विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर एकदम अच्छे से याद रखना है ना, सो डॉक्टर अवे याद रखो, कभी गलती नहीं करोगे, डॉक्टर अवे, डॉक्टर शुड ऑलवेज स्टे अवे, सो डी आर डेंसर टू रेयर, इट शुड ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सब लोग है क्या, सब लोग मेरे साथ, मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे हो कि किधर और पहुंच गए? हाँ, सो डॉक्टर अवे, डॉक्टर को हमें दूर रखना है, ठीक है। सो इधर मैंने क्या बोला कि ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो इसके हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो तुम्हें ध्यान ये रखना है, तुम्हारा हमेशा सारा का सारा एंगल्स विल बी फॉर्म्ड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। साइन आई ले लो, साइन आर ले लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, रिफ्लेक्शन ले लो, रिफ्रैक्शन ले लो, सारे के सारे दे आर ओनली विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अभी होगा क्या, तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री विद द सरफेस, तुम लोग क्या करोगे, हाँ साइन आई इक्वल्स टू 30 डिग्री, बराबर। एकदम सिल्ली मिस्टेक, हम तो माहिर है उसमें करने, है ना, यस 60 डिग्री होगा वो, सुना सब लोग ने, मतलब वो जो एंगल अगर तुम लोग को ऐसा कुछ दिया है विद द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द सरफेस, दैट एंगल इज नोन एज योर ग्लैंसिंग एंगल। इसका नाम क्या होता है तुम्हारा, ग्लैंसिंग एंगल। सो हमें हमेशा उसको लेना है विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये जो येलो लाइट, जो तुम्हारा जो ओरिजिनल लाइट जो तुम्हारा आ रहा है, वो ओरिजिनल लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, तो उसका एक्चुअल पाथ, अगर ये बीच में ये मीडियम अगर दूसरा नहीं आता, म्यू टू मीडियम नहीं आता, तो ये तो चुपचाप सीधा साधा शांति से सीधा निकल जाता, किसी को भाव दिए बिना, ये खाली फोकट बीच में आ गया तो उसकी वजह से हमें तकलीफ हो गई, है ना, इसकी वजह से उसको अपना पाथ बदलना पड़ा, वरना वो तो चुपचाप सीधा निकलने वाला था ना। वो सर मिस्टेक जिसने मेरे मार्क्स, कोमल के मार्क्स कटे थे इसमें, ठीक है।
सो इधर देख लो तुम लोग, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल कि जो उसके एक्चुअल पाथ से कितना दूर चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल जो अपने एक्चुअल पाथ से कितना दूर चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या नाम है इसका? डिविएशन। क्या हो रहा है आज, क्या एरर है इसमें? प्रॉपर अपने आप स्ट्रोक्स आ रहे हैं। सो ये जो एक्चुअल पाथ, जो इंसिडेंट रे चुपचाप शांति से आ रहा था, तो इंसिडेंट रे आया। हाँ परफेक्ट। आयुष ने बोला कि हाईवे में सामने गाड़ी है जो क्रॉस करने के लिए मुड़ जाओ, ऐसा। सो हाँ मनस, सब कुछ रिपीट करूंगा। सो इधर मैंने क्या बोला कि शांति से एक्चुअल रे आ रहा था, बीच में कोई अलग मीडियम आ गया, तो उसने क्या किया, खुद के रास्ते से दूर चला गया। तो खुद के रास्ते से कितना दूर गया, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। चमका? तो चलो, अगर तुम्हें इधर एक्स दिख रहा है, एक्स क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये ग्रीन और एक ये पूरा, तो पूरा क्रॉस बन रहा है। तो पूरा क्रॉस बन रहा है तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। तो ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा, पूरा पूरा क्या हो गया तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, राइट? सो इसके हिसाब से हमें क्या पता चला, तो ये तुम्हारा नॉर्मल और ये पूरा एक्स बन रहा है। एक्स बन रहा है मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तुम्हारा हो गया, राइट? तो चलो, अगर मुझे डेल्टा को ढूंढना है, डेल्टा को, तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा आई कैन राइट इट डाउन, आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा, एंड डेल्टा विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू आई माइनस आर। बराबर ना? आई अगर मुझे चाहिए तो आर और डेल्टा का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट योर आई। तो मुझे इधर से क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया। तो ये इस पे तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे। तुम्हें अगर डिविएशन पूछा है, अगर एक आध क्वेश्चन इस पे है, पॉसिबल है, अगर तुम्हें डिविएशन बोला है, तो डिविएशन दिस वर्ड विल बी यूज इन प्रिज्म एज वेल। डिविएशन हम लोग उधर भी ढूंढने वाले हैं, इधर भी हम लोग करने वाले हैं। तो एक बेस लॉजिक सेटअप करके रख दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग मेरे साथ आ, अगर ये इंसिडेंट रे जो तुम्हारा था, ध्यान से सुनो मेरी बात, ऑल्सो इन क्लास, हाँ वही ना, अगर ये जो तुम्हारा इंसिडेंट रे आया और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, अगर चाहिए तो मैं नाम लिख दूं क्या इधर, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। तो मुझे एक बात बताओ, ये इसका एक्चुअल पाथ तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ये रेड पे आगे कंटिन्यू होता, और ये सामने अगर ग्लास स्लैब या फिर ये जो भी सामने दूसरा मीडियम नहीं आता, तो ये भी तो तुम्हारा डिविएशन ही हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो ना, ये वाला जो एंगल है वो भी तो तुम्हारा डिविएशन ही हुआ ना, ये वाला पूरा एंगल विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज वो उसका एक्चुअल पाथ तो वैसा ही जा रहा था, लेकिन वो बीच में कुछ अलग मीडियम आया तो रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये उसका कितना, वो एक्चुअल पाथ से कितना दूर गया वो, तो ये भी तुम्हारा डिविएशन ही हो गया। तो तुम लोग इसको डेल्टा डैश नाम दे सकते हो। विच साइन हैव यू डिनोटेड बाय पिंक कलर? दिस थीटा, ये थीटा है, ये आई है। ओ सर, ओ या सर, करेक्ट। ऐसा क्या है ये चमका क्या सबको समझ में आया? ये देखो, इधर मैंने कुछ तो तुम्हें सिखाया। सी और एक बार देख लो, जिसको इसको कुछ लोग बीच में मिस आउट कर दिए थे, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। हाँ पूरा पूरा एक बार, में 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 30 सेकेंड्स मेरी बात सुन लो। फिर जिसको लिखने का, जो करने का लिख लो, जो भी करने का कर लो, मेरी एक बात सुन लो। एक बेस आज अपना क्लियर हो जाएगा। इंसिडेंट रे आया, उधर हो रहा है, उधर सामने एक मीडियम आया, तो मीडियम ऐसा है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो मैंने तुम्हें क्या एक सिंपल लॉजिक बताया कि डॉक्टर अवे, डेंसर टू रेरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेरर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इधर तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से यही बताया ना कि रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो रेरर टू डेंसर मतलब द रे ऑफ लाइट शुड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो टूवर्ड्स नॉर्मल इसे बेंड कर दिया। अच्छा, जब उसे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, तो ये इसको नाम दे दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो मैं तो स्पॉटलाइट ऑन करता हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तुम्हारा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया तुम्हारा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया तुम्हारा, राइट? सो मैंने क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बेसिक रूल है अपना। और अगर तुम लोग को क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि द रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट सो एंड सो विद द सर्फेस, जितने भी एंगल्स होते हैं विद द नॉर्मल होता है, अगर विद द सर्फेस दिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होगा। वो सारे देखो नॉर्मल के साथ ही मैंने बनाए, ग्रीन लाइन के साथ, वो तुम्हारा नॉर्मल है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये अगर सरफेस के साथ दिया है तो उसका नाम है तुम्हारा ग्लांसिंग एंगल। तो कभी तुम्हें नाम आ गया ग्लांसिंग एंगल, तुम्हें चमकना चाहिए कि किसका बात कर रहे थे उधर, समझा ना, एकदम चिंदी है रे। तो इधर ये इसका नाम दे दिया मैंने थीटा।
फिर मैंने क्या बोला कि ये इसका इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ तो ऐसा सीधा 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 चुपचाप जाता वो है ना, लेकिन ये मीडियम बीच में आ गया, तो अगर ये मीडियम बीच में नहीं आता तो ऐसा मैंने डॉटेड करके बता दिया इमेजिनरी कि वो सीधा 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 शांति से जाता। तो मैंने क्या बोला कि ये रियो फ्रेंड दोबारा बेंड हो गया, ओरिजिनली ये बेंड हो गया, तो ये ओरिजिनली ये बेंड हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इधर, और ये देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन मतलब एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया पूरा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मैंने तुम्हें बता दिया। सो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन। क्यों एंगल ऑफ डिविएशन? एक्चुअल पाथ से कितना रे ऑफ लाइट बेंड हुआ, कितना दूर गया, उसको डिविएशन नाम दे दिया। और ये भी सेम हुआ ना कि एक्चुअल पाथ से कितना रे ऑफ लाइट इधर बेंड हो रहा है, इधर भी तो दूर ही गया ना, एक्चुअल पाथ पे तो ट्रैवल नहीं किया, तो इसको भी हम लोग ने क्या बोला, डिविएशन बोला, डेंसर टू रेयर। हाँ कोमल बता दो, वो भी बता दो। सो इधर मैं ऐसे वर्कआउट कर सकता हूँ कि मैंने डेल्टा इधर ढूंढ के बताया, और इधर यू कैन ऑल्सो पुट योर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है स्नेल्स लॉ, दैट इज म्यू ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, या फिर एन भी लिखते हैं और उसको म्यू भी लिखते हैं। सो इन शॉर्ट वो हम लोग स्नेल्स लॉ देखते हैं, आज ही हम लोग देखते हैं, 2 मिनट दे दो अभी, जिसको इसमें डाउट था मे बी क्लियर हो गया रहेगा, लेकिन जिसको वो क्वेश्चन था आर डैश माइनस आर, हाँ सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे पूछा कि अगर सर डेंसर टू रेयरर जाता तो, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर डेंसर मीडियम, ये ऊपर वाले को डेंसर रखते हैं, ये नीचे वाले को रेयरर रखते हैं, ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, सच दैट म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, तो रे ऑफ लाइट का बेंडिंग वगैरह कैसा हो जाएगा? तो चलो इधर से रे ऑफ लाइट ऐसा गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया राइट, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ठीक है, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो गया, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो दूर चला जाएगा। तो इसका एक्चुअल पाथ अगर तुम्हें निकालना है तो इसका एक्चुअल पाथ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, इधर से स्ट्रेट लाइन, समझ में आया? सो इन शॉर्ट अगर मैं इसका नामकरण करूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ये जो हो जाएगा तुम्हारा वो होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन, एक्चुअल पाथ से कितना दूर गया, और ये जो पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल तुम्हें मिलेगा ना, समझाऊँ, ये जो पूरा एंगल मिलेगा ना ये, अरे सॉरी, ये एक्स किधर बन रहा है, एक्स इधर बन रहा है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा, सो डेल्टा विल बी नथिंग बट आर माइनस आई इन दिस केस, बिकॉज इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इन शॉर्ट फ्लिप हो जाएगा। ये समझ में आया अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे होगा, वो तुम्हें पता चला, रे ऑफ लाइट बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहे, डिविएशन ये था ना, यस यस नॉट एन इशू, लेकिन ये एक बार सिर्फ एक रिविजन हो जाएगा सबका, सब लोग को एकदम गो थ्रू हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि किधर क्या क्या सारी चीजें हैं। ओके सो ये हम लोग ने क्या किया, 2 डेल्टा मैंने ढूंढ के बताया। ओके नाउ व्हाट इफ आई टेल यू, व्हाट इफ आई टेल यू कि अभी तुम लोग का रिलेशनशिप हम लोग बिठाते हैं, अभी एक चीज हमें क्या पता क्या है कि हम लोग म्यू को कैसे लिखते हैं इधर, म्यू को, सो हम लोग म्यू को ऐसे लिखते हैं, म्यू ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। अब इसको याद कैसे रखना है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये जो अपना हो गया स्नेल्स लॉ, तो इसको याद कैसे रहना है, तो अगर तुम्हें इसको समझ के लेना है ना, तो एकदम सिंपल लॉजिक है इसमें, इसको तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, इसको तुम लोग बोल सकते हो किस में गया और इसको तुम लोग बोल सकते हो किस में से, सिर्फ 11 लाइट ग्लास पास कुछ नहीं, 2 मीडियम अलग अलग हो जाएगा वो, उसके हिसाब से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा, किसने बुझा, प्लेसिडो, किस में गया किस में से, ये समझ में आया? तो ये फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, 2 में गया 1 में से, किस में गया किस में से, 2 में गया 1 में से, ऐसे करके तुम लोग याद रख सकते हो। इधर भी तुम लोग सेम, और एक चीज, व्हाट यू कैन राइट ओवर हियर, म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, नहीं सेम ही है इसमें भी, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ही है ना, किस में गया किस में से, तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, वैसे भी तुम लोग लिख सकते हो, किस में गया डेंसर में गया रेयरर में से, बराबर, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो। या फिर अगर मैंने डिफाइन किया रहता कि ये एयर है ऊपर वाला और ये वाटर है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, किस में गया किस में से, वाटर में गया एयर में से,
सो इन शॉर्ट तुम्हें याद क्या रखना है, किस में गया किस में से, ये समझा क्या सबको? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ? इधर ध्यान है सबका? वैक्यूम इज वन, म्यू फॉर वैक्यूम एंड म्यू फॉर एयर इज वन. सो ये हम लोग क्या बोलते हैं, किस में गया किस में से. सब लोग मेरे साथ रहने का इधर, ठीक है? दो मिनट मेरी बात सुन लो. सो इधर हम लोग को ऐसे ऐसे करोगे तो उसके रिस्पेक्ट से वी कैन वर्कआउट. एक ही मिनट, दो मिनट कोमल, मेरा आज का वो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. दो मिनट दे दे मुझे, सिक्के ले ले. तो इसमें अगर मुझे और रिलेशनशिप्स मुझे अगर इनपुट करना है और रिलेशनशिप्स अगर मुझे सेटअप करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे एक चीज़ क्या पता है, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी भी वही मैं वैसे बोल सकता हूँ इन योर मैग्नीट्यूड ओनली. सो इधर डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, लैम्बडा, लैम्बडा बाई टी हो जाएगा. लैम्बडा इज समथिंग बट अ वेवलेंथ ऑफ लाइट, बराबर ना? लेंथ ऑफ वन वेव इज समथिंग बट अ वेवलेंथ. सो ये पूरा एक लैम्बडा हो गया, वन वेव, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ इज समथिंग बट योर वन वेवलेंथ. एंड वन अपॉन टी का मतलब होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी. सो मैं इसको लिख सकता हूँ वी इज समथिंग बट इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ. सो इसके हिसाब से हम लोग वर्कआउट भी कर सकते हैं, है ना? जिस तरीके से मुझे वर्कआउट करना है वैसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं अगर इसके हिसाब से हम लोग को काम करना है तो. तो देखो अभी मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी योर रिलेशनशिप विथ योर म्यू एंड लैम्बडा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड यश, अजिंक्य, नो विनीत, वेरी गुड प्लेसिडो. प्लेसिडो का नाम क्या है? ऋतुजा, मंदार, श्रवण. सो इन शॉर्ट ऑल आर अग्रिंग कि जब म्यू अगर ज्यादा रहेगा तो लैम्बडा तुम्हारा कम होगा, बराबर ना? और अगर म्यू तुम्हारा कम होगा तो लैम्बडा तुम्हारा ज्यादा होगा. अरे मोटे आदमी के लिए जगह ही नहीं है उधर, है ना? अगर म्यू ज्यादा है तो मोटा आदमी अंदर घुसे, स्पेस ही छोटा है तो मोटा आदमी अंदर जा नहीं पाएगा. तो मैं ये रिलेशनशिप को आगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ. या फिर अगर तुम्हें कंपेयर करना है तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेलोसिटी. ये दोनों केसेस तुम लोग लिख सकते हो. बिकॉज अगर तुम्हारा म्यू डेंसर है, अगर तुम्हारा ट्रैफिक ज्यादा है तो तुम्हारा स्पीड कम होगा. तो मैं इधर और एक रिलेशनशिप बिठा सकता हूँ, म्यू टू अपॉन म्यू वन, है ना? तो इधर मैं वी वन अपॉन वी टू लिखूंगा, और वी वन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, वी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. तो इधर मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, समझ में आया? और इसको मैं ऐसे आगे, और एक है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये और एक रिलेशनशिप है तुम्हारा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. एक सेकेंड ना, अपेरेंट डेप्थ, और इसको हम लोग और एक लिख सकते हैं. हाँ मैं बताता हूँ, इसको हम लोग और एक लिख सकते हैं, न्यू टू बार अपॉन न्यू वन बार, दैट इज नथिंग बट अ वेव नंबर. और न्यू टू बार का फॉर्मूला होता है वन अपॉन लैम्बडा, ठीक है? सो ये एक हो गया तुम्हारा एक गोल्डन फार्मूला तुम्हारी जिंदगी का. और अगर ये फार्मूला आएगा तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस रिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस तुम लोग अपने आप सॉल्व कर लोगे, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा. सो ये ऐसा करके तुम्हारा पूरा ये खत्म हो गया. देखो ये पूरा एक बार अच्छे से समझ में आया तुम्हें कि इधर क्या चल रहा था. सो इधर हम लोग ने क्या किया, न्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज समथिंग बट न्यू टू अपॉन न्यू वन is nothing but equals to sin I upon sin R, is nothing but equals to V1 upon V2 equals to lambda 1 upon lambda 2 equals to real depth upon apparent depth equals to V2 bar upon V1 bar. अरे वो प्रूफ किया था ना तुम लोग ने, अभी वो प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं, बाद में बताता हूँ. ये रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके? हाँ कोमल, वो रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, फॉर्मूला फॉर म्यू वन. और ये न्यू टू बार अपॉन न्यू वन बार का फॉर्मूला मैंने तुम्हें इधर दिया, इट मींस वेव नंबर, मतलब लेंथ ऑफ वेव इन वन मीटर, कितना वेव्स जा रहा है एक मीटर में, उसको हम लोग वेव मीटर, वेव नंबर बोलते हैं. चलो तो नेक्स्ट टाइम वो भी मैं एक बार एक जस्ट दे दूंगा. तो चलो ये इससे हमें क्या क्या सारी चीज़ें, ये पेज पे एक गोल्डन पेज हो गया तुम्हारा, क्या सारी चीज़ें मुझे पता चली. एक चीज़ मुझे पता चली, किस में गया किस में से. हाँ सुनना सब लोग, जिसको समझ में आया नहीं समझ में आया दो मिनट मेरी बात सुन लो. सब लोग कुछ भी है, सब लोग दो मिनट मेरी बात सुन लो. इससे मैंने क्या किया, किस में गया किस में से, तो मैंने बोला इधर टू में गया वन में से, तो वो मैंने उठाया, ओके?
सो इसका रेशियो कैसा आता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन का रेशियो आता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा अभी म्यू का रिलेशनशिप विथ वेलोसिटी क्या होता है, तो एकदम सिंपल लॉजिक है कि ज़्यादा ट्रैफिक वेलोसिटी उतना कम, ज़्यादा म्यू वेलोसिटी उतना कम, सो इन शॉर्ट म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा, सो दे बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो अगर म्यू टू अपॉन म्यू वन है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल करूंगा तो इधर वी वन अपॉन वी टू हो जाएगा, तो वो मैंने कर दिया, ठीक है इतना लॉजिक क्लियर। फिर मुझे पता चला कि वेलोसिटी इज ऑल्सो लैम्बडा बाई टी, और वन अपॉन टी को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, सो वी इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। सो इसके रिस्पेक्ट से मुझे क्या पता चला कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। देखो इधर मैंने एफ वन अपॉन एफ टू नहीं लिया है, फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलता है, फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, मैंने एफ वन अपॉन एफ टू नहीं लिया, मैंने आज ही वो पॉइंट लिखाया था। सो इधर मैंने क्या किया, वी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, सो मैंने इधर और एक लिख दिया लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, बराबर। और ये तो एक रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, तो पानी वाला रे, तुम लोग पानी में डुबकी लगाते हो तो हमें लगता है कि 3 फीट रहेगा, लेकिन एक्चुअल में रहता है 6 फीट डीप पानी, तो वो रियल डेप्थ अपन अपेरेंट डेप्थ भी इससे मिलता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये मैंने वेव नंबर का और एक फॉर्मूला दिया, तो ये भी अगर चाहिए तो मैं और एक बार 2 मिनट में नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो न्यू टू बार इज समथिंग बट इक्वल टू वन अपॉन लैम्बडा, ये मैंने फॉर्मूला दिया। हाँ सो मैं मैम को भेजूंगा सब कुछ, ये सारे स्क्रीन्स। सो इससे मुझे गोल्डन फार्मूला मिल गया, और ये गोल्डन फार्मूला यू कैन यूज इट एनी वेयर इन योर रिफ्रैक्शन, एनी वेयर। अगर ये तुम लोग ने यूज कर लिया, एक वी इक्वल्स एफ लैम्बडा, ये एक फार्मूला और ये पूरा फार्मूला, ये तो ये तुम्हारा गोल्डन फार्मूला है, इसको अपन स्टार स्टैम्प कर देते हैं, ठीक है। सो ये तुम लोग को काफी सारी जगह पे काम आएगा। सो इन शॉर्ट मैंने आज जो जो सिखाया, मैंने तुम्हें बेस सिखाया सिर्फ, वो भी रिफ्रैक्शन का आज के सेशन में। और हम लोग ने जाना कि लाइट है क्या, लाइट का हिस्ट्री देखा आज हम लोग ने, जस्ट गो थ्रू माई एंटायर सेशन ना, टूडेज सेशन, लाइट का प्रॉपर्टीज, लाइट का हिस्ट्री, हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी, भूतकाल भविष्यकाल सब देख लिया लाइट का आज हम लोग ने, ठीक है। और इधर लाइट का प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ा देख लिया, और इधर मैंने थोड़ा बेसिक जो जो टर्मिनोलॉजीज और जो जो चीज़ें हम लोग यूज करने वाले हैं वो सारा हम लोग इधर मैंने सिखाया। एक सेकंड ना, ओके दानिश, लेट्स सी। नहीं पेंट नहीं है, तो जूम का ही इंटीग्रेटेड वाइट बोर्ड है। इन एयर टू वाटर देयर इज डेंसर टू रेयरर एंड रेयरर टू डेंसर, बोथ आर हैपनिंग राइट। नहीं एयर टू वाटर ना, तो सिर्फ एयर से वाटर में जा रहा है, तो रेयरर टू डेंसर हुआ बेटा। कौन है प्राची, और कौन है, और प्रॉपर्टीज वो धीरे धीरे करते जाएंगे। विनीत सर, व्हाट इज डीओपी, डीओपी इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। सो आज हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं, एक बार स्लाइड सारे देख लो, मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारे स्क्रीन्स, मैंने सेव कर लिए, मैं सारे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। फाइन, आई होप यू गाइस एंजॉयड, मजा आया आज लेक्चर में। सो हम लोग ने सिर्फ आज लाइट क्या है ना, वही हम लोग ने देखा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ज्यादा कुछ हम लोग ने किया नहीं आज, ठीक है कूल। सो मिलते हैं अगले बार, मिलते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून। चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यस यस यस, चलो बाय 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 बाय, यस बाय 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 बाय, चलो गुड नाइट, गुड नाइट।